प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान को लेकर आगरा में हर विभाग अपनी तरफ से जोर शोर से तैयारियों में जुटा हुआ है। आगरा की जिला जेल भी इससे पीछे नहीं है। आगरा जिला जेल में प्रशिक्षित महिला बंदी कैदियों द्वारा अपने हाथों से तिरंगा तैयार किया जा रहा है। अलग अलग शिफ्ट में महिला कैदियों को जिम्मेदारी दी गई है, जो एक दिन में 400 से 500 तिरंगे झंडे बना रही हैं। लक्ष्य है कि 10 अगस्त तक करीब 10,000 से ज्यादा तिरंगे बनाए जाने हैं। कैदी महिला भी तिरंगे बनाते समय अपने आप पर गर्व महसूस कर रही हैं। उनका कहना है कि उन्हें खुशी है कि उनके द्वारा बनाए गए झंडे सरकारी दफ्तरों व घरों पर फहराए जाएंगे। आगरा में यह सभी झंडे हर घर तिरंगा अभियान के तहत तैयार किए जा रहे हैं और तैयार होने के बाद अमृत महोत्सव के तहत इन्हें हर घर पर फहराया जाएगा। जिला जेल में कैदियों महिला कैदियों द्वारा झंडे बनवाए जा रहे हैं आगरा में तिरंगा महोत्सव के लिए, तो किस तरह की तैयारी है, कितने झंडे करीब तैयार हुए हैं? हमारे यहाँ सत्यमेव जयते एक ट्रस्ट है, तो उनसे रॉ मटेरियल ले करके जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जो सरकार की निर्देशन में सब काम हो रहा है, तो लगभग प्रतिदिन 450 से 500 झंडे तैयार किए जा रहे हैं। 10,000 प्लस के लक्ष्य में है और 2 महिलाएं और 2 पुरुष कैदी इसमें लगे हुए हैं। उनको 2 रुपये प्रति झंडे के हिसाब से पारिश्रमिक भी दिया जाता है। जो झंडे बना रहे हैं वो कैदी है? हाँ, कैदी हैं। 2 महिला कैदी हैं, 2 पुरुष कैदी हैं। दिन भर में कितने समय तक काम? और दिन भर में जब से जेल का अपना सिस्टम है, जब सवेरे खुलती है शाम को बंद होती है, बीच में भी 2 घंटे 3 घंटे बंद रहती है, लेकिन ये काम बहुत ही त्वरित गति से किया जा रहा है, बड़े उत्साह से किया जा रहा है। तो इनको दिन भर जब तक जेल खुलती है जब तक बंद होती है तब तक खुला रखा रहता है। करीब 450 से 500 टारगेट रहता है दिन भर में झंडे बनाने का। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई।